शहद भाई ने साजिद भाई और जहद भाई को शादी पर क्यों नहीं बुलाया? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं ठीक हूं। आप सब लोग आप देखें, आप सब लोग व्लॉग ने अल्लाह पाक आप सबको खुशियाबाद रखे, अल्लाह पाक आपके हर परेशानी दूर फरमाए और आपके हर हाल में बरकत अता फरमाए और आपका बच्चों के साथ आपकी फैमिलीज के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज माशा से एक नई प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज इंशाल्लाह जो वीडियो क्रिएट करूंगा मैं आप सबसे शेयर करूंगा। तो हर बार की तरह मेरे पुराने और मेरे न्यू सब्सक्राइबरों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को एंड तक ज़रूर देख करें, जितना हो सके मेरी सपोर्ट करें। आप सब बहन भाइयों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। और माशाल्लाह सुबह का आगाज़ आप देख सकते हैं, सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो आज का मौसम भी काफ़ी माशाल्लाह से प्यारा बना हुआ है, बादल भी बने हुए हैं और प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह काफ़ी प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और काफ़ी दिनों बाद जो है यहाँ पर भी फूल लगे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी प्यारे प्यारे। तो यहाँ पर जो ना कर रहा हूँ नाश्ता, आलू अंडे का सालन और रोटी, तो करते हैं नाश्ता। आज का दिन जो है ना ऐसे गुजरा है पता भी नहीं चला, क्योंकि ऊपर बादल बने हुए थे छाँव ही छाँव। और अभी जो है ना दोपहर की अजानें भी मिल चुकी हैं जहर की, तो टाइम काफ़ी हो चुके हैं। तो उसके बाद हमारे घर जो है कुछ मेहमान आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हुई है, जावेद भाई और उसके साथ उनके दोस्त आए हुए हैं। तो अभी जो खाना वगैरह रेडी हो रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी, जो भी मुझसे शूट हो पाएगा मैं आप सबसे शेयर करूँगा। तो दोपहर का खाना यहाँ पर हो चुका है रेडी, तो खा रहा हूँ खाना, तो आलू और चिकन उसके बाद रोटी। तो मेहमान यहाँ पर थे, उनको जो ना खाना वगैरह मैंने खिला दिया, तो वो चले गए यहाँ से, अब वो भी साथ गए हैं चोलिस्तान गए हुए। तो मैं यहाँ पर खाना खाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी मैं आप सबसे शेयर करूँगा। आप क्यों हंस रही हैं? तो खाना वगैरह जो मैंने खा लिया है, तो जब मतलब खाना मेहमानों को मैंने खिलाया, मैं व्लॉग शूट नहीं कर सका क्योंकि मैं अकेला होता हूँ और छोटे छोटे काम करने होते हैं तो व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। तो खाना वगैरह जो है मेहमानों को खिला कर यहाँ से जो है रवाना मैंने कर दिया है। अब वो भी साथ गए हैं, वो गए हैं चोलिस्तान कोई ज़मीन वगैरह देखनी है, तो वहाँ से शाम तक जो है वापस आ जाएंगे। तो अभी मैं घर पर हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सूट सिलाई हो रहा है छोटी सिस्टर का। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है शादी है, तो ये मेहंदी का सूट जो है ना रेडी हो रहा है। तो ये वाला जो है ना दुपट्टा हम शहर ले गए थे, इसको जो है पीको वगैरह करवानी थी। ये देखें ये जो है बाजी कौनसर सिलाई कर रही है। और ये मशीन जो है ना बनवाने ले गए थे। अब कैसे चल रहे? ठीक चल रहे। और इस सूट की सिलाई कितने कितनी लोगे आप? सिलाई कोई सिलाई नहीं। अच्छा, तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा कलर है और दुपट्टा भी इसके साथ मैच है, इसके मतलब पीको लाइस। तो खाना खाने के बाद जो है ना पी रहा हूँ चाय। तो खाना खाने के बाद चाय ज़रूर पीनी चाहिए, चाय हो या कोई मीठा हो गुड़ वगैरह। तो खाना खाने के फौरन बाद जो है ना मीठा खाना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं फ़ौरन बाद जो है ना चाय पी लेता हूँ। तो ये अच्छी होती है सेहत के लिए भी और हर बीमारी के लिए, अभी चाय पीते हैं। तो अभी जो है मैं घर से काफ़ी दूर आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, थोड़ा काम गया था, तो अभी वापस जो है ना घर में जा रहा हूँ। तो सुबह जो है ना मौसम कुछ अच्छा था, तो अभी जो है ना काफ़ी अच्छा हो चुका है माशाल्लाह, और बादल भी वैसे खड़े हुए हैं और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है माशाल्लाह। तो काफ़ी प्यारा मौसम है, अच्छा लग रहा है। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं हरी भरी फसल और ऊपर बादल वैसे ही खड़े हैं जैसे मैंने आपको सुबह दिखाए थे। हाँ, थोड़े से कम हो चुके हैं, तो हवा काफ़ी प्यारी चल रही है ठंड ठंडी। और ये सामने रहा घर, तो मैं जो ना कहीं काम गया होता तो अभी जो ना आया हूँ। काफ़ी दिनों से इस यूट्यूब के ज़रिए और इस यूट्यूब पर एक दूसरे को काफ़ी मतलब उन लोगों ने वो किए बातें की हैं, तो देखें इसमें हमारा कोई वो नहीं है ना कि शायद भाई ने उनको बुलाया है या नहीं बुलाया। तो जब मतलब एक होंगे तो किसी से वो पूछेंगे नहीं, तो वैसे अलग तो होना नहीं चाहिए, रिश्तेदारी है, भाई हैं, भाई कभी अलग नहीं हो सकते। तो अगर हो चुके हैं तो वो साथ भी हो जाएंगे, तो
जब साथ होंगे तो किसी से पूछेंगे नहीं। तो अभी कितनी बातें हो रही हैं उनके ऊपर, साजिद भाई लोगों के ऊपर भी बातें हो रही हैं और शायद भाई लोगों के ऊपर बातें हो रही हैं। तो ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपस में जो बातें होती हैं वो यूट्यूब पर भी आती हैं, तो इन बातों को जो है ना शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ना इन रिश्तों को कोई नहीं समझ रहा, जब समझेंगे तो हमसे पूछेंगे नहीं। तो इस रिश्तों को जो है ना समझना ज़रूरी है। तो खैर ये हम सब क्यों बोल रहे हैं, तो ये उनका मामला है, उनका ज़ाती मामला है। जिसके साथ लड़ें, जिसके साथ जो भी करें, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ समझाने की बात कर सकते हैं। तो आज किस छोटे से वो लोग कहीं बैंड करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ताज़ा फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखना, अपने पर को ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।